आपका गुस्सा जायज, लेकिन इसकी बेइज्जत ना करो। ये तो बेचारा जाहिल है। सर मामला ये है, इसको ले गए थे 5 तारीख को यहाँ पर परोटा से, और इन्होंने बोला भी ठीक है, बुखार था नॉर्मल, इसको ले आए, कोई बात नहीं। और हमने बार बार इनसे पूछते रहे भी कैसे हमारा पेशेंट, इसको रेफर कर दो, हम कहीं और लेके जाते हैं। तो इन्होंने बार बार मना करते रहे, नहीं आपका 90% रिकवर है, हम आपको यहाँ से कर देंगे। और इस हफ्ते बाद में हमने दोबारा उनको बोला दिक्कत है, हमको डाउन लगता है, बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भाई जैसा है, वो डॉक्टर साहब आएंगे, वहाँ से बात करेंगे, भिवानी से बात कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। तो करते करते कल इन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, सपरा में आपका तो टेस्ट होनी है। हालांकि टेस्ट नहीं होने थे, उन्होंने बुला के हमको भेजा था वहाँ, वहाँ पर डॉक्टर साहब बोले थे आप इस श्रेणी की मिसिज है, उन्होंने कहा भी इसमें कुछ है नहीं, जिनका हॉस्पिटल है उनकी मिसिज ने ये बोला है इसमें कुछ नहीं है। तो वहाँ से हम वापसी आए तो ये बोले हम नहीं रखेंगे इसको, रेफर कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, और बार बार पैसे ऐडते रहे यहाँ पर इलाज के नाम पर कुछ नहीं। तो कितने दिन से एडमिट थे? ये 5 तारीख 5 तारीख से एडमिट थे। हाँ जी 5 तारीख से, कल इन्होंने अचानक बताया हमको इनको दिक्कत है, ज्यादा चीज आप ले जाओ। एक्सपायर कहाँ हुए? एक्सपायर जिंदल हॉस्पिटल में। तो यहाँ से जिंदल ले गए थे आप? इनकी लापरवाही से, बिल्कुल इनकी डॉक्टर साहब की लापरवाही, पैसे भी ऐड करे लापरवाही। हॉस्पिटल का क्या नाम है? डॉक्टर अमित खारिया और नरेश खारिया, और अमित नरेश खारिया और नरेश खारिया और अमित। पेशेंट का क्या नाम है? आप क्या लगते हैं क्या नाम? जी विक्की स्वामीनगर रहने वाला है, इनकी ज़मीन पड़ती है अलीपुर भरटा में, तो वहाँ काश वगैरह करता, तो वहाँ इसकी तबीयत खराब, बुखार वगैरह हो गया था। तो बुखार होने के बाद वहाँ डॉक्टर ने को दवाई दी, वहाँ तो पूरा ठीक नहीं हुआ, तो उसके बाद ये इंडस हॉस्पिटल में आ गया। इंडस हॉस्पिटल में इसका कुछ इलाज चलता रहा, तो जो यहाँ भी ठीक नहीं होता, कल इसको हिसार रेफर किया गया था, तो हिसार रेफर किया गया, सुबह इसकी वहाँ इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है।
तो जिस कारण इसमें जो परिजन थे उनको रोष था, वो डेड बॉडी को वापिस लाए, तो उन्होंने का गुस्सा था। गुस्से के बाद उनको समझा बुझा के हॉस्पिटल पर जाएगा, तो हॉस्पिटल में आगामी कार्रवाई की जाएगी डेड बॉडी की। तो सड़क पर रखी गई थी सर डेड बॉडी? हाँ, सड़क पर रखी थी। विरोध किया तो उन्होंने पूछा कि नाराज थे, डॉक्टर की भी डॉक्टर ने लापरवाही की ऐसा बताया सर उनकी तरफ से। तो किन के खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया? अब कार्रवाई की जाएगा, मैं उसके बयानों के अनुसार, बयान अभी तक आया नहीं है, जो बयान दिए थे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पर जिन्होंने शिकायत दी है सर, उसमें क्या आरोप लगाया? शिकायत अभी मैं अभी थाने में आया हूँ, मौके पर था, वहाँ से आया हूँ, आगामी कार्रवाई की जाएगी, जो भी वो लिखाया वो कार्रवाई कर देंगे। तो डॉक्टर से कोई बातचीत सर अभी तक हुई है? कोई डॉक्टर अभी ऐसी कोई बात नहीं। तो डॉक्टर सर हॉस्पिटल में बंद पड़ा है तो क्या फरार बताया जा रहा है कैसे? नहीं, उस चीज़ का नहीं पता, जाके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन जो चीज आएगी वो कर लेंगे, अगर फरार हो या कुछ भी हो।